हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ये क्यों शुरू किया? क्योंकि बहुत बारी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एमसीक्यू मिल जाता है। कभी कभी आपको अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल जाते हैं, 11th बोर्ड, 11th में तो बोर्ड नहीं होता, चलो 11th क्लास में भी आपको मिल जाते हैं। एक शॉर्ट जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, वो शॉर्ट से जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसे ही आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, है ना, कि आप जो भी एक टर्म दे दिया जाएगा कि आप उसका मीनिंग क्या समझते हो। हम अकाउंट्स में या हम कॉमर्स में क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस करते हैं, हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शंस को बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम इसका थ्योरी भूल जाते हैं। और जब हम आगे एग्जाम्स में जाते हैं ना, नेट का एग्जाम होता है या जो भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बहुत बारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें सिलेबस कॉमर्स बेस्ड जो सिलेबस होता है ना, वहां पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो यहीं से आते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम हर रोज कोशिश, ये कोशिश रहेगा, मतलब मैं गारंटी तो नहीं कर सकती हूँ कि, प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं हर रोज एक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, लेकिन हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रोज एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके दू। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर में भी, जब तक हमसे हो पाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई जो पहली यूनिट, जो भी एक पहला टर्म है हमारे पास, जो नया यूनिट है, क्लास 11 का यूनिट है, पूरा यूनिट ही आता है ये ट्रायल बैलेंस का। लेकिन हम क्यों सिर्फ ट्रायल बैलेंस का बेसिक मीनिंग देखने वाले हैं, क्यों बच्चे? क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में रखना है इसको, हम पूरा यूनिट नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस हम क्लास 11 का जो सिलेबस है उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि हमको सिलेबस कवर कराना है। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस होता क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नाम से। सबसे पहले जब हमने बोला ट्रायल बैलेंस, तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, शायद से तो IFSC में आया था जहां तक मुझे याद है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद से तो यही था, IFSC का एक एग्जाम था जिसमें आया था स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसने ऑप्शन दिए थे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है ट्रायल बैलेंस, या स्टेटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस। तो उसका आंसर था स्टेटमेंट। तो यहां से कहां से पता चलेगा अगर आपने बेसिक क्लियर किया है कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, हम इसको टी फॉर्मेट में नहीं बनाते कि इधर डेबिट लिख रहे हैं इधर क्रेडिट लिखते हैं, तो अकाउंट होता है, तो वो अकाउंट होता है। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट है? नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। किस चीज की स्टेटमेंट है? रिकॉर्ड ऑफ फाइनल लेजर बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स है ना, सारे अकाउंट्स का लेजर बैलेंस, सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है ना, वो इस स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं, इधर ऐसे लिख देते हैं, है ना, हम इसको स्टेटमेंट मानकर चलते हैं ट्रायल बैलेंस को। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। किसका? जो भी लेजर बैलेंस होता है सारे बिजनेस के अकाउंट्स का। अकाउंट कहने का मतलब है आपके जो बिजनेस है उसमें जितने भी अकाउंट्स बने हैं उन सब अकाउंट्स का लेजर बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। इसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो क्या होता है? स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में, जितने टोटल अकाउंट्स बिजनेस में बने हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? चेक करने के लिए, क्या एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस है, अगर आपने अकाउंट्स में सही से रिकॉर्डिंग की है, तो डेबिट का टोटल किसके इक्वल रहेगा? हमेशा क्रेडिट के। सारे अकाउंट्स का टोटल सारे अकाउंट्स के क्रेडिट के इक्वल निकलेगा लास्ट में, जब आप टोटल करोगे ना इसका नीचे में जाके बैलेंस, तो डेबिट का इक्वल हमेशा क्रेडिट के इक्वल निकलेगा, सारे अकाउंट्स का बैलेंस टोटल। उसको चेक अगर नहीं है तो क्या मानेंगे आपकी? कोई एरर है, कि कोई एरर है। आप फिर देखेंगे कहाँ गड़बड़ हो गई, कौन सी अकाउंटिंग एंट्री, कौन से ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की, कोई ओमिट कर दिया, कहीं पे गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन यही तो बोलता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए।
अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ कर दी है। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ हेल्प करता है आपको, अक्यूरेसी चेक करते हैं हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू। आगे देखिए फीचर्स क्या है। पहला फीचर है इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, लिस्ट ऑल द लेजर अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स बने हैं बिजनेस के पास में, जो भी अकाउंट्स बनेंगे उन सारे अकाउंट्स का टोटल होता है इसके अंदर, कैसे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है, सारे भी अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स बिजनेस में बने होंगे उन सबको ट्रायल बैलेंस में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर पर्पस क्या होता है इसका, हम बनाते ही क्यों है ट्रायल बैलेंस, टू एंश्योर द अक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये श्योरिटी के लिए कि अक्यूरेट है हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, वो हमने अक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड कर रखी है सारी ट्रांजेक्शंस को, और हमारे अकाउंट्स अक्यूरेट है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी एरर नहीं है उसमें, कोई एरर नहीं है, कोई ऑमिशन नहीं है, ठीक है। फिर यूजुअली प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर करते हैं, लगभग तो आप अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही प्रिपेयर करते हो, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। आपको क्या बनाना होता है फाइनल में, आप ट्रेडिंग बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ये हम क्यों बनाते हैं, ये हमें चेक करना होता है कि अभी तक जितनी एंट्रीज हुई है वो हमारी अक्यूरेट थी कि नहीं। अगर गड़बड़ हुई होगी तो हमें पता चल जाएगा, तो उस गड़बड़ को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो आप इसको अपनी मर्जी से, आप अपनी अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, कि आप चाहो तो महीने के आखिर में प्रिपेयर कर लो, क्वार्टरली कर लो, एनुअली कर लो, कि भाई साल के आखिर में करेंगे, वो आपकी चॉइस, कोई कंपल्सन नहीं है इधर, कोई रूल या ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आखिर में ही, साल के आखिर में ही प्रिपेयर करोगे, नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम। जो डेबिट होंगे, डेबिट बैलेंसेस लिख दिए आपने सारे एक तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिख दिए, अब इनका टोटल, क्रेडिट बैलेंस का टोटल डेबिट बैलेंस के इक्वल होना जरूरी है। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस इट इंडिकेट्स, अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, की रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ हो गई है और हमें क्या करना है, अभी आइडेंटिफाई करना है और ठीक करना है उस एरर को। अब आप आगे देखोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, क्यों प्रिपेयर करना है, एंश्योर अक्यूरेसी, अक्यूरेसी है ना कि आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको सबका डेबिट बैलेंस मिल जाता है, आपको बार बार लेजर्स चेक नहीं करने पड़ेंगे, बार बार लेजर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे बैलेंसेस एक ही स्टेटमेंट में मिल गए ना। ट्रायल बैलेंस में सबके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखे होते हैं, तो आप डायरेक्ट यहीं से ले लोगे फाइनल बैलेंस, आपको बार बार लेजर्स या जर्नल एंट्रीज चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप आइडेंटिफाई एरर्स कर सकते हो इसमें, एरर्स का फाइंड आउट करोगे जब अक्यूरेट नहीं है, मतलब डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ हुई है, और आप फाइंड आउट करोगे कहाँ गड़बड़ हुई है, उसको करेक्ट करोगे, उसको ठीक करोगे। ये था आज का टॉपिक ट्रायल बैलेंस, आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।